हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके पूछा था, उसे ड्राइविंग टेस्ट देने है, बाइक के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना है। तो ड्राइविंग टेस्ट में एक्चुअली क्या होता है, एक नंबर इंग्लिश जो नंबर होता है एट, ऐसे बना के बताना पड़ता है एक नंबर। तो इसके लिए मैं कैसे कर रहा है उसके बारे में नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर अपना एक नंबर नहीं, लेकिन मैं घूम के आके ऐसा राउंड मार के आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। चलो, तो मैं बाइक को स्टार्ट किया है, फर्स्ट गियर में डाल के एक नंबर बना के कोशिश कर रहा हूँ। बाद में और थोड़ा एक्सप्लेन करेगा क्या करना है वो बात। एक नंबर बनाना है, लेकिन उस समय आपको जो पैर है जमीन पे नहीं चाहिए, पैर है वो जमीन के ऊपर होना चाहिए। अगर जमीन के नीचे अगर पैर रहेगा तो आपको पास नहीं करा जाएगा। पैर है वो अपना पेडल के ऊपर होना चाहिए, एक नंबर बनाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे अभी एक नंबर आपको बना के कैसे करना है उसकी कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे हैंडल को घुमाने का है। बाद में मैं अपने घर पे जाके ब्लैक बोर्ड के ऊपर उसका स्किल कैसे घुमाना है, क्या हिसाब से घुमाना है, कौन से हिसाब से घुमाना है वो बताऊँगा। अभी सिर्फ मैं यहाँ पे एक नंबर बना के आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो बनाया है मैंने एक पर कैसे हमें ड्राइविंग टेस्ट देने की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको बाइक कहाँ से घुमाना है। इसको याद रखना है, फिर से बात को याद रखो। मैंने क्या कहा अभी, बाइक कौन से कॉर्नर से आपको घुमाना है, इसके हिसाब से आपको बाइक चलाना है। समझो अभी बाइक अपन यहाँ पे खड़े, समझो यहाँ पर अपन खड़े, तो आपको बाइक लेके जाना है। तो आपको बाइक कैसे लेके जाना है, तो आपको ऐसे लेके जाके ऐसे आना है आपको, है ना, एक बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके बारे में मैं बात बता रहा हूँ। अभी समझो आप कभी भी बाइक चलाते समय ये बाजू आपको खड़ा किया जाएगा, ये बाजू आप खड़े बाइक स्टार्ट करें, बाइक पहले गियर में रखें, सेकंड गियर में रखें फिर भी चलेगा, लेकिन आपके बाइक का आरपीएम कैसा उसके अनुसार है। अगर ज्यादा स्पीड वाला रहेगा तो वांदा हो सकता है, आप फेल हो सकते, गिर सकते, स्पीड की वजह से आप टर्निंग नहीं ले सकते। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड देता हूँ कि आप पहले गियर में प्रैक्टिस करें, सेकंड गियर में ना डालें। लेकिन आरटीओ जाने के पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दो तीन दिन आपको प्रैक्टिस करना है आरटीओ जाने के पहले। कोई तो रोड के ऊपर भले चाहिए पत्थर रखो या कुछ भी करो, प्रैक्टिस करो, तभी आपको जाना है। जैसे मैंने वीडियो में कहा, पहले आपको राउंड घूमने का प्रैक्टिस करना है, बाद में उल्टा राउंड घूमने का प्रैक्टिस करना है, तभी एट का जमेगा, नहीं तो डायरेक्टली एट का नहीं जमेगा। फिर से सुनो, पहले राउंड करो ऐसे ऐसे, बाद में आपको उल्टा राउंड मारने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। पहले घेर में आहिस्ता आहिस्ता जोर देने की जरूरत नहीं। अगर आप ये भी एट बनाते या जो राउंड भी मारते उस समय आपका जो रेस होता है ये कॉन्स्टेंटली उतना ही होता है, कम ज्यादा ना करें। कम ज्यादा करेंगे तो आपका बैलेंस जा सकता है, क्योंकि आप बिगिनर है, आप टेस्ट देने जा रहे। रेस कॉन्स्टेंट रखे, कम ज्यादा रेस ना हो, और जो क्लच है वो हाफ क्लच रखो, फुल क्लच ना रखे। फिर से बात को पहले एट बनाने के पहले, गोल प्रैक्टिस करने के पहले मैं क्या बात बता रहा हूँ इसको ठीक से सुन लो। आपको क्या करना है, जो रेस होता है वो कम ज्यादा ना करे, कम ज्यादा करते तो बाइक स्पीड का कम ज्यादा स्पीड हो जाएगी। आपको, आप बिगिनर है, प्रैक्टिस करते समय आप अगर कम ज्यादा रेस करते तो आपका बैलेंस जा सकता है, क्योंकि बाइक कम ज्यादा होगी। इसीलिए आपको क्या करना है, जो थ्रोटल है रेस वो धीरे ही देना है, थोड़ा कॉन्स्टेंट उतना ही रखना है, कम ज्यादा नहीं करे, जितना दिया है उतना ही रखे, कम ज्यादा ना करे। अंडरलाइन करो, कम ज्यादा रेस ना करे, पास होना है तो बात को सुनो, कम ज्यादा रेस ना करे, उतना ही रेस रखे। दूसरी बात, आपका जो क्लच है हाफ क्लच रखे, फुल क्लच ना रखे, ना अपने ओर खींचे, क्लच को बंद ना करे, हाफ क्लच रखे, ये बातों को याद रखना। ब्रेक मारने का, पीछे के ब्रेक मारने का कोशिश ना करे, आगे का थोड़ा सा मामूली ब्रेक मार गया सिचुएशन के अनुसार चलेगा, पीछे का ब्रेक ना मारे। क्यों ना मारे, क्योंकि आपने हाफ क्लच रखा है। फिर से याद रखो, आपका जो रेस है कॉन्स्टेंट रखो, कम ज्यादा ना करे, धीरे ही रखो, बाइक स्मूथली चली जाएगी। और जो क्लच है वो हाफ क्लच रखे, अपनी ओर ना खींचे, अपनी ओर खींचेगा तो इंजन काम नहीं करेगा। फुल क्लच ना छोड़े, फुल क्लच छोड़ते हैं तो पीछे का ब्रेक मारते तो इंजन बंद हो जाएगा। फुल क्लच ना छोड़े, हाफ क्लच रखे, मैंने दो बात एक्सप्लेन की आपको याद रखे। तीसरी बात, इम्पोर्टेंट बात, आपको कहाँ से घूमना है, टर्निंग कहाँ पर लेना है। तो आपको जाते समय, आपको ये बनाने के पहले पहले पैदल जाके देख के आ जाओ कैसे कैसे घूमना है, क्या क्या कौन सा रोड है,
फोर रोड को पहला पैदल जाके घूम के आ जाओ, यहाँ से पैदल जाओ, बाइक लेके मत जाओ, पहला पैदल जाके घूम के आओ, यानी आपको पता चलेगा कितना राउंड है, कैसा दूर है या नजदीक है क्या। हालांकि ये जो होता है ना, दूर का होता है, नजदीक का नहीं होता, थोड़ा दूरी पर होता है, आसानी से आप बाइक चला सकते हैं, नजदीकी टर्न नहीं होता है। लेकिन आपको कैसे करना है उसके बारे में जान रहे, आपको यहाँ पे बाइक लेके खड़ी कर ले। अभी आपने बाइक पहले गियर में डालने, न्यूट्रल में डालने का, पहले गियर में डालने का स्टार्ट करने के बाद आपको क्या हिसाब से जाना है बाइक को, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाइक ये बाजू लेके आओ, ये बाजू, यहाँ से ना घूम के आओ, यहाँ से नहीं घुमाना है बाइक को, यहाँ से लेके आना है। यहाँ से जाने के बाद मैं बता रहा हूँ इस हिसाब से आप ट्रिक ले लो, ये हिसाब से फेल नहीं होगे तो ये साइड में आ जाओ इधर, क्योंकि एक जन एक ही तरफ बाइक चलाता है, दूसरा बाइक नहीं चलाता है ये बढ़ाते समय, ऐसे आने का है, ऐसे आते आते आपको अभी क्या करना पड़ेगा, ये बाजू आने का है आपको, तो ये बाजू आने के लिए आपको थोड़ा ये बाजू से ऐसा टर्न लेने की कोशिश करो, ये बाजू आ जाओ। अभी ये बाजू आने के बाद आपको थोड़ा नजदीक आना है, नजदीक, याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, नजदीक आने की कोशिश करो, नजदीक आने की, और यहाँ पे रुक जाओ, आपका येट बन गया, येट आपका बन गया, यहाँ पर आके फिर भी रुकेगा, चलेगा यहाँ पर, लेकिन क्या मतलब होता है, अगर आप बिगिनर है, बहुत जन को मैंने देखा है येट बनाते समय यहाँ पर डायरेक्ट जाते ना थोड़ा डर जाते, अरे जो साइड का पार्क है यहाँ पे ठोकर देते या बाहर निकलते, ये हिसाब से डर के मारे बाइक से गिर भी जाते। इसके लिए आपको यहाँ पर आके यहाँ पर रुकना, हो गया आपका ये, अरे ये हिसाब से चले जाओ, ये हिसाब से चले जाओ और यहाँ पर रुक जाओ, समझो बाई चांस आपको यहाँ पर अभी समझो नजदीक लग रहा है, तो आपको क्या करें, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये हिसाब से भी आप बाइक चला सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया तो थोड़ा दूरी पर चले जाओ, दूरी पर चले जाओ, आहिस्ता आहिस्ता नजदीक आते जाओ, आहिस्ता आहिस्ता नजदीक आते जाओ, जो भी ये बाजू आने की कोशिश करो, ये बाजू आने की कोशिश करो। दोस्तों वीडियो बार बार देखे और इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, स्क्रीनशॉट निकालिए, आप फेल नहीं हो सकते, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से जाने का है, यहाँ पे लेफ्ट में आने का है, यहाँ से थोड़ा दूरी पर जाने का है, बाद में नजदीक आने की कोशिश करना है, नजदीक आना है लेफ्ट बाजू में, बाद में यहाँ पर राइट में आने की कोशिश करो, यहाँ पर, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पर आने की कोशिश ना करे, भले से यहाँ पर आएगा चलेगा, लेकिन बहुत जन को मैंने ऐसे देखा है ये बढ़ाते समय यहाँ पर रुकते समय डर जाते। आपकी बाइक बंद होनी चाहिए यहाँ पर आने के बाद, न्यूट्रल में लाके छोड़ दो। बहुत जन को मैं देखा कि फर्स्ट गियर में रहते, हाथ में ऐसा पकड़ के रहते, बाइक बंद होगी क्या करेगा, बाइक बंद हो जाएगी तो बाई चांस आपको फेल कर सकते, तो न्यूट्रल में बाइक को डालो, यहाँ पे रुकने के समय इधर या इधर कोई भी जगह पे, और आराम से खड़े हो जाओ, दोनों पैर नीचे रखे, आप 100% गारंटी के साथ मैं बात कहना चाहता हूँ, आप पास हो जाएंगे, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के। दोस्तों मैंने बताने की कोशिश की, दोस्तों आरटीओ का जो बाइक का जो ड्राइविंग टेस्ट होता है उसके लिए हमें एड बनाना पड़ता है, जो एड बना के हम लोग को दिखाना है तो छोटा रहता बड़ा रहता है, डरने की बात नहीं, जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एड कैसे बनाती है, डरने की बात नहीं, थोड़ा गाली आ रही उनको जाने के देते क्योंकि मुझे उल्टा घूमना पड़ेगा, एड कैसा बनाते उसके बारे में मैं नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो चलते पैर को ऊपर करते, आराम से जाना है, कोई घाई नहीं है, ये सब से आप वो पाना सर्कल है जानने की बात नहीं, डरने की बात नहीं, आराम से जाने का, ये सब से आप कर सकते। दोस्तों जैसे मैंने बताने की कोशिश की, एक महीने बनाया वो बना एट होता है, मैंने छोटा जगह पे बता दिया, वो जगह बना होता है, डरने की बात नहीं। इसके लिए आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, गोल गोल घूमने की प्रैक्टिस करो, ऐसे गोल घूमने की, बाद में उल्टा गोल घूमने की प्रैक्टिस करो, गोल घूमने की प्रैक्टिस करके दोनों तरफ आप आसानी से एट बना सकते, ऐसे खुली जगह पर आप एट बनाने की कोशिश करो, बाद में आप फेज दे सकते, फेज देते समय बड़ी जगह होती है, दिमाग से निकाल दो छोटी जगह है, बड़ी जगह होती है, आप आराम से फेज दे सकते। चलो यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, अभी तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।